और अगली खबर कन्नौज से, जहां पर देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला है। सपा और कांग्रेस की ज्वाइंट पीसी और रैली पर तंज कसते हुए सुब्रत पाठक ने कहा कि दोनों ही दल अपने प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस और सपा दोनों ही डरी हुई है। अखिलेश यादव को लेकर पाठक ने कहा कि सपा माफियाओं को संरक्षण देते हैं, अब इनकी सियासी जमीन नहीं बची है। आज से प्रारंभ हुआ है और मैं चैत्र इस नवरात्रि के पावन पर्व की मैं सभी लोकसभा क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मैं बहुत हृदय से सभी को बधाई देता हूं और उनके मंगल की कामना करता हूं। अखिलेश यादव और कांग्रेस यूपी में ज्वाइंट पीसी और ज्वाइंट रैली करेंगे, तो इसमें ज्वाइंट करने से क्या हो जाएगा? देखो अखिलेश जी अच्छे से समझ चुके हैं कि जब कांग्रेस को रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं, अखिलेश यादव स्वयं कन्नौज में प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं, तो कुल मिलाकर इन्हें मालूम है कि इनकी जमीन बची नहीं है और इनके जो क्रियाकलाप जिस प्रकार से जाकर ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं, माफियाओं के जाकर उनकी कब्र पर नाक रगड़ते हैं, तो कुल मिलाकर ये इनका जो भी आधार है वो गुंडे माफियाओं का ही है और जनता समझ गई है, तो अब इनके साथ गुंडे माफिया ही रह गए हैं।